अथ दिव्या कवचम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हैं, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निःसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आढ़ूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवार करती हैं, ऐंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाले जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो।
पूर्व दिशा में ऐंद्री मेरी रक्षा करें, अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड़गधारिणी मेरी रक्षा करें, पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में सुलधानी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार सौ को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की, घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी थोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधानी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अवद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। क्षत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधानी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें।
रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें, वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, उष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला मनुष्य अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष
भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देव्या कवचम संपूर्णम्।